अक्सर लोग वेट तो कम करना चाहते हैं पर उनमें मोटिवेशन की बहुत कमी होती है। पर आज मैं आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई हूँ, जिसको देख करके आप लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे और उनके सिंपल से डाइट प्लान को जान करके और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे। तो चलिए जानते हैं कि मेरे इन क्लाइंट ने अपनी डाइट में ऐसा भी क्या ले लिया कि उनका वेट इतना अच्छा लूज हो गया। तो चलिए जानते हैं आज अपने इस वीडियो में कि कैसे आप लोग घर के बने खाने से ही अपने वजन को आसानी से कम कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने थंबनेल में उनका ट्रांसफॉर्मेशन तो देख ही लिया है पर उनकी डाइट को जानने की बारी अब है। और इस डाइट के साथ में मैं आपको रेसिपी भी बताऊंगी एक, जो कि बहुत ही टेस्टी, बहुत ही टेम्पटिंग है और आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी, और कुकिंग करना भी इजी है, बहुत ही टेस्टी है और आपके वेट को लूज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डाइटिशियन सुधा मौर्या और आप सभी लोग देख रहे हैं अपना चैनल सुधा डाइट क्लिनिक। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपके वेट को कम करने में बेहद फायदेमंद है और खास तौर पर मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में आप लोग जरूर चाह रहे होंगे कि मैं आप लोग के साथ में इसका डाइट प्लान शेयर करूं, ताकि आप लोग को भी पता चल सके कि इस डाइट प्लान में क्या है और ऐसा क्या मेरे इस क्लाइंट ने खाया जिससे कि आपने इतना अच्छा इनका ट्रांसफॉर्मेशन देखा। इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखने के बाद में होप आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो देरी ना करते हुए हम लोग जानते हैं कि आखिर मैंने इनकी डाइट में ऐसा क्या शामिल किया। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके मॉर्निंग ड्रिंक की। तो मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने इन्हें मॉर्निंग ड्रिंक में जो दिया था वो है आप लोग का लेमन वाटर। सिर्फ सिंपल सा लेमन वाटर, पानी को गर्म किया, उसमें लेमन को स्क्वीज किया और लिया, और साथ में एक ग्लास गुनगुना पानी और लिया। टोटल सुबह उठ करके दो ग्लास गुनगुना पानी लिया जिससे कि हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। इसके बाद में मैंने इनके लिए सिंपल सी जो चीज प्लान की है वो है फ्रूट्स। मैंने सुबह 7 बजे इनको फ्रूट दिया है क्योंकि ये वर्किंग है तो इनके लिए काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है कि सारी चीजें कैरी करना। तो मैंने मॉर्निंग में 7 o'clock पे इन्हें सिर्फ एक एप्पल दिया है, चीजों को मिक्स नहीं किया इसलिए मैंने सिर्फ इन्हें एक एप्पल दिया है। और एप्पल लेने के बाद मैंने 8:30 पे इनका ब्रेकफास्ट प्लान किया। ब्रेकफास्ट में क्या है, सूजी का उपमा। अब आप कहेंगे हम भी तो सूजी का उपमा लेते पर हमें तो कभी वेट लॉस नहीं हुआ, पर अगर आप मेरे तरीके से सूजी का उपमा बनाएंगे तो आपका वेट लॉस होना तय है। हाई प्रोटीन वेट लॉस उपमा बनाने के लिए हमारे कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट जिसमें है मूंग की दाल, जो कि मैंने धुल करके सोख करके लिए ताकि ये अच्छे से फूल जाए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी दाल जो है वो धुली हुई और फूली हुई है। उसके साथ में हम लोग सूजी लेंगे। सूजी आपको एक मुट्ठी लेनी और दाल आपको दो मुट्ठी लेनी है, रेशियो आपका ऐसा होना चाहिए। साथ ही मैंने बहुत सारी वेजीज ली, लाइक मैंने ब्रोकली ली है, उसको थोड़ा सा रफली चॉप कर लिया है ताकि ये अच्छे से पक सके और छोटे छोटे रहें तो और आसानी से च्यू कर सके। और साथ ही मैंने येलो वाला कैप्सिकम लिया, रेड कैप्सिकम लिया, पर ये क्या है, ये है जकुनी। ये जकुनी एज अ सैलेड हम लोग यूज़ करते हैं खास तौर पर वेट लॉस सैलेड के तौर पर, और बहुत ही टेस्टी, बहुत ही हेल्दी होता है। और इसके साथ में ये जो इन रेसिपी चीज़ें हैं इनके साथ में मैंने दो अलग इन्ग्रीडियंट्स को यूज़ किया है, वो है मीठी नीम की पत्ती। अक्सर आप लोग उपमा बनाते हैं तो मीठी नीम की पत्ती का तड़का ज़रूर लगाते होंगे, और साथ ही में आप लोग राई का तड़का लगाते होंगे। ये जो मीठी नीम होती है ये हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है, साथ ही में वेट लॉस के लिए भी। अब हम लोग अपनी रेसिपी को बनाने के लिए 1/4 स्पून घी लेंगे। उपमा हम लोग घी में बनाएंगे क्योंकि घी से टेस्ट एकदम अलग आता है, ऑयल का टेस्ट कम अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसको घी में बनाया। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं पर रिफाइंड नहीं, सरसों के तेल में। अब हम लोग अपनी राई को इस घी में डाल देंगे ताकि अच्छे से पॉपअप हो सके। मीठी नीम की पत्ती डालेंगे और थोड़ा सा इसे चला देंगे, और चलाने के बाद ये सारी जो राई होगी वो पॉपअप हो जाएगी, मीन्स अच्छे से पक जाएगी। इसके बाद में जितनी भी हमारी वेजीज हैं आप इसको ऐड कर दीजिए। आप चाहें तो इसमें अनियन, टोमेटो कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन कैप्सिकम भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपके पास फ्रिज में जो भी वेजीज रखी उनको ज़रूर ऐड कीजिए। इवन आप लोग कुकुम्बर भी ऐड कर सकते हैं, बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं, कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, आपकी चॉइस है आप क्या ये ऐड करना चाहते हैं। और साथ ही में हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारी सब्जी हल्की सी ये पक जाए, और फिर हम लोग इसमें सूजी को ऐड करेंगे। पर सूजी को ऐड करने के बाद इसे हम लोग अच्छे से चलाते रहेंगे ताकि जो सूजी है जो कच्ची है ये थोड़ी सी हमारी पक जाए, क्योंकि मैंने सूजी को स्टार्टिंग में भूना नहीं है, क्योंकि हम लोग इस सूजी को अपनी वेजीज के साथ में भूनने वाले। देखिए कितना कलरफुल और कितना टेस्टी देखने में। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी दाल है दो मुट्ठी उसको भी हम लोग इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से हम लोग चला देंगे। ये जो मूंग की दाल होती है डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, और साथ ही में से
हमें खाने में तो टेस्टी लगती है, साथ ही हमारे वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। अब हम लोग इसमें पानी डाल देंगे और इसमें सीटी लगाएंगे। सीटी लगाने से मूंग की दाल आसानी से पक जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही सोख की हुई थी, इसलिए इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिर्फ एक विसल आनी है और ये पूरी उपमा हमारी बहुत अच्छे से पक करके टेस्टी सी टेम्पटिंग सी रेसिपी बनकर तैयार हो जानी है। आप इसे अच्छे से चला दीजिए, चला करके इसे ढक करके ही पकाइएगा। कोशिश कीजिएगा प्रेशर कुकर यूज़ करिएगा ताकि दाल अच्छे से पक जाए। और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्ट ऐड करेंगे, पर कौन सा सॉल्ट? रॉक सॉल्ट, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसको अच्छे से एक बार हमने चलाया, इसके बाद इसमें हमने सीटी लगा दी। और सीटी लगाने के बाद देखिए हमारा उपमा बनकर के तैयार। ये नॉर्मल उपमा मत समझिएगा इसे, क्योंकि ये है हाई प्रोटीन उपमा जो कि आपके वेट लॉस में बेस्ट है। तो इसको आप लोग एज अ ब्रेकफास्ट ज़रूर लीजिए, पेट भर के लीजिए, बहुत अच्छे से लीजिए, क्योंकि इसका प्रोटीन कंटेंट काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और साथ ही वेजीज होती है जो कि फाइबर में रिच होता है। तो ये आपके वेट लॉस जर्नी के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग जल्दी में तो आप लोग इसे एज अ डिनर भी ले सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ सीटी लगा करके पकाना है। डिनर में भी आप इसे बिल्कुल पेट भर के ले सकते हैं और बहुत ही अच्छी है, इजी टू डाइजेस्टिबल है और आपके वेट लॉस जर्नी में एक पुश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट ट्राई। अब बात करते हैं इनके मिड इवनिंग स्नैक्स की। तो मैंने इनके मिड इवनिंग स्नैक्स में 1 बाउल पपाया और साथ ही में मैंने इनके लिए 4 आलमंड्स, 2 कैशनट्स और 2 वॉलनट्स को ऐड किया है, जो कि इनकी क्रंचिंग मंचिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इजी और इनफ है। फोक से आराम से खा लिया, काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक नहीं रहता है, ताकि वर्किंग प्लेस पे बार बार हाथ भी ना धुलना पड़े। फोक से खाया और टिफिन पैक करके रख दिया। नेक्स्ट हमारा है लंच। लंच में मैंने इनके लिए प्लान किया था, एक्चुअली ये ऑफिस गोइंग है तो मैंने इनके लिए बहुत ज़्यादा वेराइटीज प्लान नहीं की है। सिंपल सी एक सूखी सब्जी, 1 कटोरी दाल, कोशिश कीजिए मूंग की दाल लीजिए या अरहर की दाल लीजिए या मसूर की दाल लीजिए, उड़द और चना को अवॉइड कीजिए, और साथ में 1 ओट्स की रोटी और साथ ही में बहुत सारा सैलेड। सैलेड में क्या क्या लेना है? आप लेट्यूस ले सकते हैं, कैरेट ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, बीटरूट ले सकते हैं, अनियन ले सकते हैं, टोमेटो। पर आपको 1 बाउल सैलेड अपने खाने के साथ में ज़रूर इंटेक करना, ताकि आप लोग की बॉडी में फाइबर इंक्लूड रहे और आप आसानी से अपने वेट को लूज कर सकें। लंच के हाफ एन आवर बाद मैंने इनकी डाइट में जो शामिल किया था वो है ग्रीन कॉफ़ी। ग्रीन कॉफ़ी लंच के हाफ एन आवर बाद लेने से ये हमारे डाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है। कि ग्रीन कॉफ़ी कैसे बनती है, क्या होती है और कितना फ़ायदा करती है, इस वीडियो में नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इस वीडियो का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा ग्रीन कॉफी कैसे बनती है। अब बात आती है इवनिंग स्नैक्स की। तो मैंने इवनिंग स्नैक्स में इनको दिया है वो है स्लिमिंग टी, क्योंकि ऑफिस में अब आप बार बार कोई टी नहीं बना सकते, इसलिए मैंने इन टीज को इनकी डाइट में इंक्लूड किया ताकि ये आसानी से अपने वेट को लूज कर सके। स्लिमिंग टी भी बेस्ट है। कैसे बनती है, क्या क्वालिटीज है, ये भी मैं आप लोग साथ में बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो स्लिमिंग टी लेनी है और साथ ही में मखाना लेना है, रोस्टेड मखाना, जो कि मैंने इनको एक टिफिन में रोज ले जाने के लिए कहा था, ताकि इन्हें आराम से कैरी कर सके, आराम से खा सके। और इसके बाद में इनका मैंने डिनर बहुत ही सिंपल प्लान किया था, या तो ओट्स की खिचड़ी या दलिया या ओवरनाइट सोक्ड ओट्स, या आप लोग बहुत ज्यादा टमी फुल लग रहा है तो आप लोग सिर्फ फ्रूट्स भी ले सकते हैं, या जो मेरा एक टेम्पटिंग सी सैंडविच है बीटरूट सैंडविच, उसको जरूर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके वेट लॉस जर्नी में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहती है। तो मेरे इस पूरे डाइट प्लान को आप लोग भी फॉलो कीजिएगा और इन्हीं की तरह मोटिवेट होकर अपने वेट को भी लूज करके दूसरों को भी मोटिवेट कीजिएगा। सिंपल से घर के खाने से अपने वजन को कम कीजिए और ना स्किन डल होगी ना कुछ, उल्टा स्किन ग्लो करेगी। ऐसे ही और भी हेल्दी नेचुरल घर के खाने से ट्रांसफॉर्मेशंस को जानने के लिए, देखने के लिए, वेट लॉस जर्नी को जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी हेल्दी टेस्टी और कम समय में बनने वाली रेसिपीज को जानते रहिए। तो मेरी स्टाइल को जरूर फॉलो कीजिएगा और अपने वेट को आसानी से लूज कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। थैंक यू, बाय बाय।